हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस। मु विकास। आज आउ गोटे चैप्टर नहीं आसी, तो ज्योमेट्री गोटे पार्ट आम देखा आज क्वाड्रिलेटरल। तो प्रीवियस क्लास रे हम देखी थे सर्कल, आज देखा क्वाड्रिलेटरल। तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखु, आउ पे खाता पेन धरी नोट भी करे, कहीं इंपोर्टेंट कंटेंट अच्छी जोटा कि आम एग्जाम जिते क्वेश्चन आसब यू, तो आप इजिली करेंगे। आडियो टी देखिया पूर्व यदि चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सांग सहित सेयार करेंगे। तो देखा क्वाड्रिलेटरल, तो कौन क्वाड्रिलेटरल कौन? तो से कहे ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो से कहे कि जेको गोटे प्लेन फिगर दे चार्टा साइड जमी एटी गोटे सैड अच्छे ए बी देखते मार्क कर सी सी डी डी ए, तो बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए, मैंने ओवरअल चारिटा लाइन सेगमेंट द्वारा गोटे आबद्ध क्षेत्र को आम कौन कौचे ना जो कौचे क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ फोर एंगल इज 360 डिग्री। आउ क्वाड्रिलेटरल यदि चार्टा का एंगल आम समेसन करवा इंटेरियर एंगल आंतरिक कोण जब समेसन करवा एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी यार समेसन सब के डिग्री हे ना 360 डिग्री हेपर आसला कौन ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला मन रखु, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हूँ हाफ होल इंटू हाफ इंटू एसी एसी कौन एसी गोटे डायगोनाल एसी एसी देखते एसी एसी डायगोनाल होल इंटू एसी डायगोनाल मान हाफ इंटू क्वाड्रिलेटरल गोटे कर्ण डायगोनाल मान कौन कर्ण, तो जो डायगोनालटा आम ना ये आम नहीं एसी डायगोनाल नहीं एसी कर्ण नहीं प्रति मैंने तार एसी जो डायगोनालटा अच्छी तार अपोजिट साइड जो वर्टिसेस अच्छी देखते ये गोटे कोण अच्छी ना ये अपोजिट साइड ये गोटे अच्छी आउ गए अपोजिट साइड ये गोटे बी बी पॉइंट गोटे वर्टिसेस अच्छी आ गए डी पॉइंट गोटे वर्टिसेस अच्छी कोण गोटे अच्छे, तो से कोण रु जदि आम कह से डायगोनाल प्रति जो डायगोनाल आम कनसीडर करे से डायगोनाल प्रति आम कौन करा ना गोटे परपेडिकुला जो ड्र करे से दिजर समेसन ओवरअल फर्मूला कौन है हाफ इंटु एसी एसी डायगोनाल एसी ब्राकेट स्टार डी प्लस बी एफ ताने जो डायगोनालटा आम ना प्रति जो आम परपेडिकुलर लंब अंकन होते डी गोटे बी एफ जहाँ को आम हाइट भी उच्चता भी कहते हैं, तो बुझीपारे तो यहाँ आमर आसला कौन ना यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला। नेक्स्ट जी तो आम जी क्वाड्रिलेटरल आम जब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा तो कौन कौन क्वाड्रिलेटरल अंडर आसूसी गोटे आसो पैरेललोग्राम आसो क्वाड्रिलेटरल गोटे कैटेगरी रेक्टांगल आसो स्क्वायर आसो ट्रापिजियम आउ रंबस आसो, बट आज आम आज क्लास देखा पैरेललोग्राम रेक्टांगल स्क्वायर। सो जी पैरेललोग्राम कौन पैरेललोग्राम देखु पैरेलल से ग्राम कौन प्रॉपर्टी अच्छी ना से फास्ट कौच नो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री पैरेललोग्राम कौन सी एंगल 90 डिग्री हे ना ताने देखो 90 डिग्री हे ना बट जदि 90 डिग्री होगा तेल आम पैरेललोग्राम कहवा ना आम तक कौन कह रेक्टांगल कह पैरेललोग्राम कह मैंने तार एंगल 90 डिग्री न होगा दरकार। आउ कौन कौच ना देखते ये कहला ए बी पैरेलल टू सी डी देखो ए बी एटा ए बी ए बी एटा पैरेलल टू माने सम ए बी समांतर अच्छी क्या सहित सी डी सहित। आउ कौन कह पार ना ए बी ए जो साइड अच्छी ए बी साइड भी क्या संगे इक्वाल हम ना सी डी साइड लेंथ आउ ए बी साइड लेंथ इक्वाल हे ए बी साइड आउ डीसी साइड बा सी डी साइड दिज परस्पर प्रति पैरेलल हे। नेक्स्ट हम कौन ना नेक्स्ट हूँ बी सी एपट साइड अच्छे बी सी बीसी सहित किए पैरेलल हम ना डीए पैरेलल हम तार अपोजिट साइड डीए ताने बीसी साइड सहित डीए साइड पैरेलल हम ए बी साइड सहित डीसी साइड पैरेलल हम ए बी लेंथ डीसी लेंथ इक्वाल हम एंड बीसी लेंथ डीए लेंथ इक्वाल हम एटा सरला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन आसला ना अपोजिट साइड्स आर इक्वाल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वाल एंड पैरेलल अपोजिट साइड इक्वाल एंड पैरेलल ऑलरेडी हम कहले ए बी सहित सी डी बीसी सहित ए डी
इक्वल अब पैरेलल भी है। नेक्स्ट कुछ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल से आउ कोन कोची ना एंगल भी इक्वल है ता माने ए डी सी माने ए एंगल से तो को एंगल इक्वल हो ना ए बी सी एंगल इ एंगल सिंबल दे दो एंगल ए डी सी से तो इक्वल हो एंगल ए बी सी ता माने ऑपोजिट एंगल इक्वल है। सेंती आउ गोटा ऑपोजिट एंगल की होची डी ए बी से तो इक्वल के हो बी सी डी बुझी पाले। नेक्स्ट जीवा आउ कोन प्रॉपर्टी अछि ना आउ रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एटा मन रखंतु दे सी डी ए प्लस एंगल बी ए डी सेंती एंगल डी ए बी एंगल ए बी सी रो समेशन केत हो ना 180 डिग्री हो ता माने जदि हम कहिबा सी डी ए देखंतु इले सी डी ए ता माने एई कोन सी डी प्लस बी ए डी एंगल कोड ए एंगल बी ए डी एंगल एटा एई दिटा ऐड हेले केत हो यार ए दिटा समेशन केत हो ना 180 डिग्री हो तले ओवरऑल कहिबा जदि हम कहिबा एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल लो समेशन केत हो ना 180 डिग्री ता माने एडजेसेंट एंगल लो समेशन हो 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल लो समेशन हो 180 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट कोन आसला ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो नु पैरेललोग्राम रे एरिया रो फार्मूला होची बेस इनटू हाइट मु कहबी ए बी होची बेस सपोज मु कहबी ए बी बेस तल तर हाइट की हो ना हाइट इट की होची ना एच ए जो हाइट होची डीई डीई ता माने ए बी इनटू डीई एरिया पैरेललोग्राम ना बेस इनटू हाइट जदी ए बी को मु बेस हिसाब रे नेबी तले ता प्रति जो हाइट जो परपेंडिकुलर टना आइची डी कोण रु सेरा होची ना डी बा एच जगह में कोची त बेस इनटू हाइट जदी सही जगह रे मु बर्तन सपोज अपन कहितांदी जे बीसी को मु को हिसाब नेबी ना बीसी सपोज मु नेबी बेस बीसी को नेबी तले जदी बीसी को बेस नेबी तले हाइट की जो एटा जो हाइट ए लाइन डाइज हाइट तले बीसी इनटू ए लाइन लो लेंथ जा हबो सेटा भी मल्टीप्लाई करले आपनकर एरिया बाहिरबो तो बुझियला जो साइड को बेस नेबे ता प्रति ऑपोजिट वर्टिसेस रु जो हमर परपेंडिकुलर टना हेतो जो हम हाइट कोजे तार मल्टीप्लिकेशन होजी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा जदी से हम कोन करथिबो ना बेस दैची आउ ओटा एंगल दे दैची बेस दैची आउ ओटा एंगल दैची ताहाले हम केन बाहर करे माने हाइट देबी एडी बेस दैची कोन बेस ए बी ना नै एडी बेस ए बी एंगल सपोज एडी थीटा दैची देखो एडी लिखाई थीटा ए कोन बगर ए थीटा लगाई थीटा ताहाले भी हम एरिया पैरेललोग्राम बाहर कर पडिया जदी हाइट न दैची ता माने ए बी इनटू जो थीटा एंगल ता दैची थीटा डिग्री दैची सेई एंगल ता बेस सहित तो जो साइड को नेगी से एंगल क्रिएट होची एडी देखंतु ए बी हला बेस डी ए को नेगी बा ए डी को नेगी ए डी साइड आउ ए बी साइड को ने ए थीटा एंगल ता क्रिएट होची सो दैट आमे कहि परिया जे ए बी इनटू ए डी साइन थीटा ए बी इनटू ए डी साइन थीटा ए बी हला बेस ए डी एडी एडी गोटे साइड जोडा की तर एडजेसेंट साइड ए बी रो आउ कोन पे एडी नि हला ना बिकॉज ए बी आउ एडी को नेकी थीटा थीटा डिग्री टा हम गिवन अछि सो दैट हम एरिया बाहर कर दे परिया ए बी इनटू एडी साइन थीटा। ओके दीटा हमरा बुझले पैरेललोग्राम रो एरिया आउ जदि अपन सपोज कर पेरिमीटर पेरिमीटर देखो जे कोन सी भी फिगर हो त पेरिमीटर माने देखो पेरिमीटर माने मु इधर कहबी ए फिगर रो पेरिमीटर तले कोन अपन ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी डी प्लस ए डी ए बी रो साइड रो लेंथ प्लस बी सी रो साइड लेंथ प्लस सी डी रो साइड लेंथ प्लस ए डी साइड लेंथ तनो एरी पेरिमीटर जे कोनसी गोटे फिगर रो आमे तार जो जो लाइन सेगमेंट द्वारा से आबद्ध होई छी बा सराउंडेड होई छी से मानकर लेंथ रो समेशन बाहर करले आमे पेरिमीटर बाहर करबे। तो नेक्स्ट जीवा आउटे रेक्टेंगल जीवा नेक्स्ट आउटे क्वाड्रेंटल हम क्वाड्रेंटल आउटे रेक्टेंगल रेक्टेंगल देखिबा से कोन कोजी ना पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल इफ इट्स ऑल एंगल आर 90 डिग्री गोटे पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल सेते बेले कहबा गोइते पुरु पैरेललोग्राम के हम रेक्टेंगल सेते बेले कहबा जेते बेले तार समस्त एंगल केते डिग्री होतिबो ना 90 डिग्री होतिबो। नेक्स्ट कोन कोजी ना एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम ता माने सब जक रेक्टेंगल हम कोन करिया पैरेललोग्राम कोइ फिर बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल किंतु सब पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कोइ फिरनी किंतु सब रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कोइ फिरिया बुझि पाले। नेक्स्ट आसला कोन ना एरिया रो फार्मूला होची रेक्टेंगल कोन लेंथ इनटू ब्रेथ एटा ला लेंथ ए साइड टाइम का लेंथ एटा ला ब्रेथ एटा ला चौड़ाटा जोटा ब्रेथ एटा ला लेंथ तो लेंथ इनटू ब्रेथ बाहर करले हम बाहर जे एरिया एटा तो पढ़ी थी आपन को। नेक्स्ट आसला पेरिमीटर फार्मूला कोन ना 2 होल इनटू l + b 2 होल इनटू l + b ए फार्मूला मन रखी 2 होल इनटू लेंथ + ब्रेथ ला पेरिमीटर
এটা ফর্মুলা ডায়াগোনাল দেখুন তো এটা হচ্ছে ডায়াগোনাল দেখুন তো এসি গোটা ডায়াগোনাল বিডি গোটা ডায়াগোনাল তার মানে এসি ডায়াগোনাল বিডি ডায়াগোনাল ফর্মুলা কোন না এল স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার এর রুট ওভার তার মানে লেন্থ র স্কয়ার প্লাস ব্রেথ র স্কয়ার র সমেশন যদি আমি রুট ওভার করিবা তাহলে সেটা আমার বাহির হবে ডায়াগোনাল র লেন্থ নেক্সট আসলা এই যে দেখুন এটা ওটা লেখা আছে আউটসাইড পাথ এরিয়া ইনসাইড পাথ এরিয়া এরিয়া অফ ক্রস রুল এই তিনটা ফর্মুলা মনে রাখি দেবে এই তিনটা ফর্মুলা কো বেস করি কোশ্চেন আসুচি আর এই ফর্মুলা পকাইলে হি আমাকে জলদি করি পরিয়া দেখুন এই ফর্মুলা কো কো বড় কোশ্চেন আমার পুট হবো যদি সে আপন দেইতিবো দেখুন এটি গুটে ফিগার দছেন এই ফিগারটা এ বি সি ডি লেখাই জি সাপোজ ভিতরি গুটে রেকট্যাঙ্গেল আছে মু সাপোজ সে ভিতর রেকট্যাঙ্গেল না দি দিবি এক্স এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই জেড এ जेड सपोज एक्स वाई जेड पी ओडे दे दो एक्स वाई जेड पी तो भीतर जो रेक्टेंगल दा छि सेला होची एक्स वाई जेड पी बाहर पटे जो रेक्टेंगल दा छि से होची ए बी सी डी देखंदु एडी जतले कहबा आउटसाइड पैरेलल पाथ ता माने कोनो ना सी तंबु क्वेश्चन देथिबो जे गोटे रेक्टेंगल अछि बा गोटे रेक्टेंगुलर फील्ड अछि तार साइड रे आमे गोटे रोड तयार करछि जहार विड्थ गिवन थियो विड्थ माने ए जो रोड सपोज मु कहबी एक्स वाई जेड पी गोटे रेक्टांगुलर फील्ड ता साइड रे मते रास्ता बार करछि से रास्ता रो चौड़ाटा देखो ए जो चौड़ाटा एटा एटा सपोज आपन देथो डब्लू हैला विड्थ त दिजि रास्ता रे केते डब्लू ताले से हम पचारथिबो जे आउटसाइड जो पाथ रे आछि तार फार्मूला कोन देखो जदि आउटसाइड पाथ माने ए जो देखो लाइन 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 टणा आछि एई पाथ रे पचारछि ता माने एक्स वाई जेड पी हम से देथिबो तार आउटसाइड बाहर पटे गोटे आमे पाथ करिबा गोटे रास्ता गोटे तयार करिया माने सी बिया गोटे रेक्टांगल बले क्रिएट हो चारि पर साइड रेक्टांगल जार विड्थ भी दिथिबो से बता बाहर पट रास्ता रो एरिया केते ताले हम कोन करिबा ना बाहर पट रास्ता रे एरिया से पचार छी तो आमे डायरेक्ट फार्मूला यूज करि परिया जे आउटसाइड पाथ रे जतले पचार थिबो सेते बले लेंथ यदि गिवन अछि ब्रेथ यदि गिवन अछि ताले फार्मूला कोन हो ना लेंथ प्लस ब्रेथ बा एल प्लस बी प्लस 2w होल इनटू 2w तमन w हला ए जो पाथ रो हमरो विड्थ होची w लेंथ होची रेक्टेंगल रो लेंथ एडा आ ब्रेथ हम गिवन थियो रेक्टेंगल रो तले हम इजीली बार कदा आउटसाइड पाथ हे जते इनसाइड पाथ रे जति पचाची सपोज से जिंस रे से देथिबो माने इनसाइड पाथ रे माने कोन बुझंतु ए बी सी डी दे दिथिबो ए बी सी डी गोटे रेक्टांगुलर फिल्ड दे दिथियो आपन कहब भीतर पटे अर्थ कहला बाहर पटे रास्ता तयार करछि से कहब रेक्टांगुलर फिल्ड भीतर पटे गोटे रास्ता तयार करछि जोडे हमें रास्ता दे तयार करिया सी गोटे रेक्टांगल हो छोटो रेक्टांगल तो एक्स वाई जेड पी सपोज छोटो रेक्टांगल डाला इनर साइड ताले से बुझतो एबे इनसाइड पाथ रे केते माने से जो साइड रे एरिया रो साइड पाथ रो एरिया हमहु से पचाइछि तो सही जगह रे कोन फार्मूला आबो ना एल प्लस बी माइनस 2w होल इनटू 2w माने लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2 होल इनटू विड्थ होल इनटू 2 होल इनटू विड्थ ओके तो जदी आउटसाइड पचला एटी प्लस हे जीवो जदी इनसाइड पचला एटी माइनस हे जीवो जदी पचे तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड एई बले फिगर देखो एई साइड जे फिगर अछि एरिया ऑफ क्रॉस रोड जदी एई बले गोटे रेक्टेंगुलर फील्ड छि हम गिवन थिबो त लेंथ दिछि ब्रेथ दिछि से भीतर पटे गोटे रोड हमर तयार करि अछि इन क्रॉस करकि गोटे रोड तयार करि अछि तो क्रॉस रोड जदी हमें पचाइ थिबो एई जो साइड एरिया यदि ए बुलिया पचार छि क्वेश्चन जे ए साइड एरिया रो बा ए क्रॉस रोड रो एरिया केते हो ताला हम को फार्मूला रे यूज कर कि एरिया तार बार कर दि परिया ना एल प्लस बी माइनस डब्लू होल इनटू डब्लू तो बुझेला आउटसाइड पचार ले आपन को प्लस हो आ विड्थ विड्थ देख रे 2 होल इनटू विड्थ लगाउ छि 2 इनटू विड्थ यदि इनसाइड पचार छि ताले प्लस एर माइनस हो फार्मूला बाकी सेम रहबो आ यदि केवल क्रॉस रोड एरिया पचार छि ताले लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस विड्थ होल इनटू विड्थ ओके बुझी पाले तो जीवा यदि कोन जरे बुझी पा नथिबे तो टिके बैक करि देखि परबे तो जीवा हमें नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट हमर अछि आ गोटे जोडा हमर पैरेलल ए जो सॉरी क्वाड्रिलेटरल आ गोटे सेंदी स्क्वायर स्क्वायर गोटे असला तो क्वाड्रिलेटरल अंडर हमें स्क्वायर देखिया स्क्वायर कोन कहू छी ना ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल गोटे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कहि परिया विथ एडजेसेंट साइड इक्वल लेंथ और रोम्बस विथ ईच एंगल 90 डिग्री से कहू छी ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड इक्वल रेक्टेंगल ला एडजेसेंट साइड इक्वल थला सब साइड इक्वल नथिला किंतु स्क्वायर रे समस्त साइड इक्वल हो
AB सहित BC इक्वल हम BC AB BC CD AD ये चारटा का साइड इक्वल से कुछ और ए रोम्बस विथ ईच एंगल 90 डिग्री आपको गोटे रोम्बस कह पार जार समस्त एंगल 90 डिग्री हो जदि गोटे आमर स्क्वायर रो एवरी एंगल 90 डिग्री हो चीता ला हमें ताको रोम्बस कह पार तो नेक्स्ट कौन कौन ना ए बी बी सी सी डी ए डी ए साइड सब इक्वल है से कौन इक्वल टू ए सपोज मुझे ए डाल ए साइड को सब ए नहीं साइड को सब मेंशन कर ए तले ए डी ए बी सी ए ए बी ए सब साइड ए तापर कौन सा ना देखो दो इडी एंगल ए एंगल छड़ दीजिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी कितना हो ना 90 डिग्री तो ए कौन बी कौन सी कौन आउ डी कौन प्रत्येक 90 डिग्री है तमने राइट एंगल है डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल से कोन जी जो डायगोनल अछि एसी गोटे डायगोनल अछि गोटे कोन एसी और बीडी ए जो डायगोनल अछि ए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर माने परस्पर को छेद करिवे आ केते डिग्री छेद करिवे ना 90 डिग्री छेद करिवे देखो ये अछि 90 डिग्री तमने ई भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करिवे एवरी स्क्वायर इज नंबर जोडा कहतले एवरी स्क्वायर इज नंबर समस्त स्क्वायर गोटे नंबर सेई परिवो बट एवरी नंबर इज नॉट ए स्क्वायर किन सब रंबस को हम स्क्वायर कर परिबे नै रंबस भीतर हम नेक्स्ट क्लास रे आउ डिस्कशन करिया तो नेक्स्ट क्लास रे पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर कोन पेरिमीटर स्क्वायर होला ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ता माने 4 इनटू साइड बा 4 ए पेरिमीटर रा फार्मूला एरिया रा फार्मूला रंबस रे कोन ए सॉरी स्क्वायर रा एरिया फार्मूला कोन ना साइड रा स्क्वायर साइड रा स्क्वायर माने एटा साइड एते केते नै छै ए नै छै त हम ए स्क्वायर से पहिले कहै छी ए स्क्वायर और हमें कहि परिबा जे डायगोनल रा स्क्वायर बाय 2 भी कहि परिबा डायगोनल स्क्वायर बाय 2 कहि परिबा एटा एटा देखंतु आउ हमरो डायगोनल स्क्वायर बाय 2 कहि परिबा और हमें कहि परिबा तमरो ए स्क्वायर तो डायगोनल फार्मूला कोन ना √2a डायगोनल फार्मूला कोन होला ना √2a बुझला डायगोनल फार्मूला लाउची √2a ओके तो जीवा क्वेश्चन ऊपर को तो थ्योरी मुझे बुझीपारे जी कौन जगह बुझीपारे प्रथम थ्योरी टाइम भलसे बुझे क्वेश्चन जी तो क्वेश्चन जी फास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना फास्ट क्वेश्चन अच्छी इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एसी ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी इज 5.2 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज से कहि जदि आम गोटे स्क्वायर अच्छी जरा डायगोनल अच्छी स्क्वायर रो डायगोनल देची से कोची गुडा स्क्वायर अछि तरो डायगोनल देची डायगोनल रो लेंथ केते देची डायगोनल रो लेंथ जुडा हम कोची सपोज हम कोबी गुडा स्क्वायर ड्रा कर दो तो स्क्वायर स्क्वायर रो सपोज कोया ए बी सी डी तो से कोची एसी गुडा डायगोनल एसी माने एटा डायगोनल डायगोनल तो एसी डायगोनल रो लेंथ देची त माने डी रो लेंथ देची डायगोनल लेंथ केते देची ना डायगोनल लेंथ हम गिवन अछि 5.2 सेंटीमीटर देन एरिया से पचाछि प्रथम कथा देखंतु एरिया रो फार्मूला कोन एरिया फार्मूला माने हम एरिया माने कोन बार कर अछि ए स्क्वायर एरिया रो फार्मूला में देखले स्क्वायर रो एरिया फार्मूला ए स्क्वायर तले ए स्क्वायर हम केंदी पाइबा ए पाइले ए स्क्वायर पाइबा देखंतु डायगोनल रो फार्मूला डायगोनल को हम कोन लिख परि छै ना डायगोनल हम जान छै डायगोनल रो फार्मूला ला √2a √2 * a तो √2a डायगोनल फार्मूला ला √2a ओके ताहले मोठु ए बाहर कर परबी ए केन बाहर कर ना ए इज इक्वल टू डायगोनल जगह केते पड़िवो ना 5.2 पड़िवो डायगोनल 5.2 5.2 पके दो डायगोनल जगह डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2 हमको ए मिल गया हम को बजे ए स्क्वायर बजे यदि ए स्क्वायर बाहर करिया तले ए स्क्वायर तले ए स्क्वायर बाहर करले कोन हबो ए स्क्वायर यदि हम बाहर करिया कोन करिया ना ए जो ए बाहर छि ए जो ए बाहर छि तारो होल स्क्वायर कर दो ताले 5.2 डिवाइडेड बाय √2 रो होल स्क्वायर तो 5.2 रो होल स्क्वायर कर केते हो 5.2 * 5.2 √2 रो होल स्क्वायर कर केते हो 2 हो त माने 5.2 जो दे तो स्क्वायर अछि डिवाइडेड बाय केते हो ना डिवाइडेड बाय 2 हो ताको काटले काटिबे काटला पर आसीबो एटा आसले 2.6 2.6 एटा देखंतु काटला पर आपनकर आंसर आसीबो केते एटा स्क्वायर अछि तो आंसर आसीबो ए स्क्वायर रो वैल्यू आसीबो बा एरिया रो वैल्यू आसीबो केते ना 13.3
सेंटीमीटर स्क्वायर 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर बुझी पाले भाबू जी बुझी पारथिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 मीटर वेयर एज इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल प्रथम कथा देखंदु जोडा क्वेश्चन पचार छि जोडा लास्ट पचे तो सेडा फर्स्ट ता पर देखबी ता माने डायगोनल बाहर करिया पई मुझे दी कौन को जानी चीना डायगोनल रेक्टेंगल का डायगोनल फॉर्मूला हो चीज़ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर तामने केम्प्टी कौन करी की मते एल और बी जाने रची तापर मुझे देख ले गिवन डाटा कौन होची गिवन डाटा देखो देखो ची पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरिमीटर देची माने पेरिमीटर फॉर्मूला कौन होना 2 होल इनटू एल प्लस बी तामने 2 होल इनटू एल प्लस बी रो वैल्यू से मते देची केते ना से देची 28 मीटर यदि पेरिमीटर देला 28 मीटर तले मु इजीली बार करी एल प्लस बी केता हो ना 2 से बढ़ जाई डिवाइड जो राइट हैंड साइड रे 2 डिवाइड ला परे 28 बाय 2 केता 14 तामने एल माने केते 14 तले एल प्लस बी ला 14 यदि एल प्लस बी ला 14 तले सेतर मु केमति एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर बार करबी ना देखंतु ए यदि मु कोन करबी ना हम जानि छे जे ए प्लस बी होल स्क्वायर जानि छे जेंति मु कहबा एडी कहबा एल प्लस बी रो यदि मु होल स्क्वायर बार करछि एल प्लस बी रो होल स्क्वायर तले केते हो ना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होल इनटू एल इनटू बी अच्छा तो देखो एडी एरिया भी गिवन अछि देखो एरिया दैछि एरिया केते अछि 48 मीटर स्क्वायर अछि त माने एरिया दैछि माने कोन एरिया रे फार्मूला को एल बी बा लेंथ इनटू ब्रेथ तनो लेंथ इनटू ब्रेथ केते अछि 48 मीटर स्क्वायर 48 मीटर स्क्वायर अछि स्क्वायर मीटर अछि 48 स्क्वायर मीटर त माने यदि मोटु वैल्यू पुट करबी त एल प्लस बी जगह केते पकि 14 तो 14 स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इनटू एल बी जगह कितना गया ना 48 ओके तो एको सॉल्व यदि करबे एटा केते जो 14 स्क्वायर जो केते 196 एडी 2 इनटू 48 केते 96 तो एटा 196 एबड़ अछि लेफ्ट साइड रे हमर आंसर 14 स्क्वायर 196 राइट साइड रे 2 इनटू 14 96 यदि हमें एटा कोन करना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बार करिया त एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केते हो ना 196 196 माइनस 96 तले त 100 हो यदि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला 100 हम कोन दरकार एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर हेले हमर डायगोनल राज्य तले रूट ओवर जदि अपर साइड लेफ्ट साइड रूट ओवर करबी त राइट साइड भी रूट ओवर करबी तले 100 रूट ओवर केते हो ना 10 हो सो दैट आवर आंसर इज 10 तले डायगोनल केते अछि रेक्टेंगल डायगोनल 10 मीटर बुझी पाले त जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इटा पैरेललग्राम ऊपर अछि से कहो जी एरिया ऑफ अ पैरेललग्राम ए बी सी डी इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर तले एरिया रो पैरेललग्राम रो एरिया देछि 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड 7:5 एडजेसेंट साइड माने देखो ए डी ए बी ए एडजेसेंट साइड तो एरो रेशियो के देछि गुडे 7 अछि गुडे 5 अछि त माने जुडे बिगर पार्ट आ बिगर लाइन टा हम 7 बिगर साइड टा आ स्मॉलर साइड टा निश्चित रूपे 5 एरो रेशियो अछि 7:5 साइड रेशियो इफ डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड इज 30 सेंटीमीटर सो ये डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड देखो लार्जेस्ट साइड के थी डीसी गो बड़ सब लार्जेस्ट साइड माने बड़ साइडटा बा जदि हम देखिबा ए बी सी डी ए दि जन होछने पैरेललग्राम रो लार्जेस्ट साइड स्मॉलेस्ट साइड के ए डी बी सी से कहि लार्जेस्ट साइड रो डिस्टेंस ता माने ए जो ता माने इनडायरेक्टली से कहि छी डीसी आ एपी भीतर जो डिस्टेंस अछि सेडा केत अछि ना 30 सेंटीमीटर देखि 30 सेंटीमीटर अच्छा सेकि जे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट साइड त माने स्मॉलेस्ट साइड के एडी आ डीसी एडी आ बीसी त तांका भीतर डिस्टेंस से पचार छि देखंतु एडी को कहितली जे पैरेललग्राम रो एरिया केन दिबारे पैरेललग्राम रो एरिया बेस इनटू हाइट जदि मु एबी को बेस नेबी हाइट का नेबी ना एई जो लाइन टा छ हमर एटा सपोज मु कह देबी हाइट टा मु एडी कर दउ छी
आपणकर हाइट कर दउची हाइट को हम नै जबा h1 नै जबा h1 ए आइटम नै जा h1 ए आइटम नै जबा h2 एटा नै जा h2 ए जो लेंथ अछि ए जो ab टा को l बली मेंशन करछि bc टा को b बली मेंशन करछि तो जदी हम ab को बेस बली कंसीडर करबी ताले जो d टा अपोजिट वर्टिसेस माने d कोण रु जो लंब अंक नै छि भाई जो हाइट हम जा कोछि ताले जदि मु AB बेस सहित ए जो हाइट टर जदि मल्टीप्लाई करबी तले मते को मिलबो ना एरिया मिलबो किंबा मु जदि BC को बेस बोली कंसीडर करबी BC को जदि बेस बोली कंसीडर करबी तले हाइट टा कोनी H2 को हाइट नि बुझला H2 को हाइट नि ताले हमें कहबिरिया तणु AB को बेस बोली कंसीडर करकी H को हाइट बोली H1 को हाइट बोली कंसीडर करकी हमें एरिया जदि बाहर करबा जहां बाहरिबो BC को बेस बोली कंसीडर करकी H2 को हाइट बोली कंसीडर करकी एरिया बाहर करबी सेम वैल्यू बाहरिबो ओके तणु हमें कहबिरिया एटी L h1 इज इक्वल टू हम कहि परिया b h2 L h1 इज इक्वल टू हम कहि परिया b h2 तो ab साइड को नेकी ab साइड को नेकी h1 को हाइट नेकी भी हम पैरेललोग्राम रे एरिया बार कर परिया bc को साइड हिसाब नेकी h2 को हाइट हिसाब नेकी हमें पैरेललोग्राम रे एरिया बार कर दीटा एरिया समान हो जेतु गोटे पैरेललोग्राम हम बार कर छ तणु L h1 इक्वल टू b h2 तले ad यदि मु बार करबी तले l / b केते हो ना l / b इज ओके दे ना h1 l / b इज ओके दे ना h2 / h1 h2 / h1 l / b रे रेशियो केतो छि ना 7 / 5 7 / 5 छि 7 / 5 इज इक्वल टू h2 h1 अच्छा से किंतु कोन कहि छि से कहि छि जे h1 नो जो हाइट अछि से कहि छि ना देखो तो एटी कहि छि डिस्टेंस बिटवीन लार्जेस्ट साइड इज 30 सेंटीमीटर ता माने जो लार्जेस्ट साइड रो डिस्टेंस टाके तो 30 सेंटीमीटर ता माने इनडायरेक्टली से कहि छि जदि हम कहबे एटी जदि रेशियो फॉर्म लिखिया तले h2 is to h1 इक्वल टू केतो ना h2 is to h1 केतो छि ना 7 is to 5 छि एडी वाला ना h2 is equal to h2 डिवाइड बाय h1 is equal to 7 / 5 तले h2 h1 रे रेशियो छि 7 is to 5 ता माने रेशियो रे जोटा छि 5 एक्चुअली से केतो दै छि जो डिस्टेंस था 30 दे छि तले रेशियो जोटा छि 5 एक्चुअली 30 ता माने रेशियो जोटा 5 जदि एक्चुअली 30 तो रेशियो जोटा 1 एक्चुअली केतो 6 30 / 5 यदि 1 रेशियो इज इक्वल टू 6 तले h2 माने जो स्मॉलेस्ट साइड ad और bc भीतर जो हाइट टाइम है कोचे बा डिस्टेंस टा कोचे h2 तले h2 कोन छि 7 रेशियो छि यदि 1 रेशियो ला 6 तले 7 रेशियो केतबो तले 7 रेशियो हमर केतबो 42 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन तन बोल से आउ ते देखबे यदि बुझी पा नथिबे तो आंसर हो 42 बुझी पाले तो दीटा क्वेश्चन अपन दउ छि होमवर्क दीटा क्वेश्चन दउ छि कमेंट बॉक्स माध्यम तुम जानबे होमवर्क क्वेश्चन आंसर तो एटा गोटे एच डब्ल्यू क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन एटा गोटे एडी देखंदु एडी ऑलरेडी मु फार्मूला कह दी छी एडी देखंदु एडी फार्मूला लरी कह दी छी एडी सब दी छी स्ट्रीट रो विड दी छी आउटसाइड स्ट्रीट ऑफ विड दी छी आउटसाइड रेक्टेंगल गार्डन अछि मेजरमेंट अछि तर लेंथ दी छी ब्रेथ भी दी छी एरिया ऑफ द पाथ पूछै छी पाथ एरिया आउटसाइड पाथ एरिया फार्मूला डायरेक्ट पूछै कि बा डायरेक्ट पुट करकी मते जानैबे मु जोडा कहि छी हमर रेक्टेंगल रेक्टेंगल रे हमें पढ़ी छी आउटसाइड एरिया केनति बारे सेकंड देखंदु सेकंड क्वेश्चन इटो अछि देखंदु एटी अछि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम जहार गोटे रूम भितरे हमें गोटे लॉन्गेस्ट पोल जहार लेंथ दे छि 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर ताले से लेंथ ऑफ द बस ए पोल लेंथ केते हो मंगर तने क्वेश्चन बारंबार पकोउ छी यार फार्मूला म कहि दउ छी फार्मूला पुट करी मते आंसर केबल जणे मु राइट फार्मूला कहि दउ छी एबला क्वेश्चन जते दैतियो फार्मूला हो छी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट ओवर तो एटा तो ऑलरेडी म कहि दिली फार्मूला डायट से फार्मूला भी आमे साइड रे पढिले तो दुइटा का फार्मूला यूज करकी दुइटा क्वेश्चन आंसर मते कमेंट बॉक्स मा जणेबे तो वीडियो टी यदि भल लागथिबो तले गोटे लाइक करिवे आ संग मान सहित शेयर करिवे पुनी देखाबो आ गोटे सेशन ने थैंक यू।